हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने गोडीडी से डोमेन नेम रजिस्टर किया है और अब आपका डोमेन एक्सपायर होने वाला है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गोडीडी डोमेन रिन्यूअल कैसे करते हैं। दोस्तों, गोडीडी डोमेन को रिन्यू करने के लिए सबसे पहले तो आप गोडीडी की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप राइट साइड में ये इमेज, प्रोफाइल इमेज पे अपने क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको विजिट माई अकाउंट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरा ये डोमेन जो है एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पर ये मैसेज शो कर रहा है। तो यहाँ से भी आप गोडीडी डोमेन को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली करना ये है कि ये रिन्यू का रेड बटन देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दो वेबसाइट्स हैं, एक englishhelp.com एंड englishhelp.in। ये दोनों ही वेबसाइट मेरी है, तो मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके चेकबॉक्स में आपको टिक करना है। अगर आपके पास सिंगल वेबसाइट है तो आपको सिंगल चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन बटन, आप देख सकते हैं कंटिन्यू टू कार्ड, इस पर क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट पेज में दोस्तों आप देख सकते हैं, अब यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो अगर आपका पेमेंट मेथड ऐड नहीं है तो यहाँ पर आप ऐड पेमेंट बटन देखते हैं, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पर आप देखते हैं कार्ड नंबर को एंटर करना है, यहाँ पे कार्ड की एक्सपायरी डेट एंड सिक्योरिटी कोड। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना कार्ड नंबर और सिक्योरिटी कोड एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद और सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी पेमेंट मेथड ऐड हो गई है। अब आपको सिंपली करना ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे, अब दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा नीचे की साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट परचेज। दोस्तों, यहाँ पर आप टोटल पेमेंट चेक करके और कंप्लीट परचेज बटन को आपको प्रेस करना है। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पर अपना पीरियड, जो जितने टाइम के लिए आप डोमेन को रिन्यू करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये 1 ईयर के लिए, आप चाहे तो 2, 3 या 5 ईयर्स के लिए इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीरियड चेंज करने के बाद अब आपको सिंपली कंप्लीट परचेज बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, जो आपने पेमेंट मेथड ऐड किया है उससे जो कनेक्टेड फ़ोन नंबर होगा उस पर आपका एक ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी कोड को आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए, यहाँ पर ओटीपी कोड जो मेरे मोबाइल पे आ रखा है उसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप सबमिट बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोडेडी डोमेन जो है वो रिन्यू हो चुका है, गोडेडी रिन्यूअल कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर रिसीव चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप कोई भी गोडेडी डोमेन को इजीली रिन्यू कर सकते हैं।